व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं क्राउन और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, वो भी मल्टी पिक्सल में। अगर आप लोगों को मल्टी पिक्सल के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि इसमें जो पिक्सल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं और वो देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। भाई तुम मेरे को तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है, तो बिना किसी तरीके बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो मैं अपनी वर्ल्ड में तो स्पॉन हो चुका हूँ और कितने खतरनाक पिक्सल्स आ रहे हैं। भाई ये डर्ट देखो, ये ग्रास देखो, ओह माय गॉड गाइस, ये एटलीस्ट थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। भाई मेरे को नहीं पता था यार। ये फ्लावर देखो भाई, इसके पिक्सल्स थोड़े डीप हो गए हैं। सन वन में तो कोई चेंजेस नहीं आया, क्लाउड्स तो कोई दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। क्लाउड्स ऑफ के शायद मैंने रखे, तो मैं उसको पहले ऑन कर लेता क्योंकि शायद क्लाउड्स के भी पिक्सल्स बहुत ज्यादा डीप हो गए होंगे। ओके गाइस, तो मैंने क्लाउड्स तो ऑन कर दिया और क्लाउड्स में तो कुछ चेंज ही दिखाई दे रहा है मेरे को। वैसे तो भाई जो भी यहाँ पे चीजें है ना, यहाँ पे बहुत कूल लग रही है। बुक को देखो, बुक कितनी बढ़िया लग रही है गाइस वाली। वो सब छोड़ा, मैं मुझे पहले उस जानवर को देखना, क्या उसमें कुछ हुआ है, क्या शीप में कोई चेंजेस हुआ है। यहाँ पे घोड़ा भी है तो उसमें भी मैं देख सकता हूँ। इसमें कुछ ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहा है, मतलब ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ओके, इसका कोई काम नहीं है। वहाँ पे एक बकरी है। पहले मैं गाइस वुड देखता हूँ, वुड कैसी दिख रही है। अगर भाई वुड थोड़ी रियलिस्टिक दिखे ना तो भाई मैं टेक्सचर पैक सही वाले लगा के खेलूंगा। मेरे FPS भी अच्छे खासे आ रहे हैं। ओह माय गॉड गाइस, कितनी खतरनाक लग रही है वुड। भाई जो रियलिस्टिक वाले, जो वनीला वाले हैं, उससे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे है। भाई इसका जब मैं इस वुड को मैं पंच मार रहा हूँ तो भाई अच्छा वाला इफेक्ट भी आ रहा है। ओह माय गॉड, और मैं प्लैंक को क्राफ्ट, ओह गाइस प्लैंक्स को देखो कितने स्मूथ लग रहे हैं। यार मुझे इतनी खुशी पता नहीं क्यों हो रही है। ओके, मैं इसे पहले तोड़ लेता हूँ, वेस्ट सामान हो जाएगा मेरा। एक क्राफ्टिंग टेबल पहले क्राफ्ट करता हूँ। OMG कितनी कूल लग रही है, मुझे सारी चीजें कूल लग रही है, पता नहीं क्यों। जब भी मैं कोई नई चीज देखता ना भाई, इसमें को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भाई इसमें अब लग रहा है कि ये हथौड़ा है और ये लग रहा है आ रही है, अब सब समझ आ रहा है। ये भी है शेर, पहले कुछ समझ नहीं आता था, पता नहीं यहाँ पे क्या बनता था। स्टिक्स भी बना लेते हैं भाई, थोड़ी स्टिक्स भी रियलिस्टिक लग रही है यार। और पहले भाई मैं अपने स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ, पहले पिकैक्स बना लेता हूँ। पिकैक्स कितनी रियलिस्टिक लग रही है। वो भाई थोड़ी पतली हो गई पिकैक्स यार। अब थोड़ा नीचे जाते हैं और डर्ट भी भाई अच्छी लग रही है। स्टोन्स देखो, वाओ गाइस जो पिक्सल्स है वो डीप हो गए भाई, मतलब थोड़ा हल्का रियलिस्टिक लग रहा है। कॉपर को देखो यार, पहले देखने में बिल्कुल मजा नहीं आती थी, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है यार, मेरे को पसंद है यार टेक्सचर पैक। गाइस आज से मैं इसी टेक्सचर पैक से खेलूंगा, मेरे को यार टेक्सचर पैक बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। जल्दी से मैं पहले स्टोन बहुत सारे लेता हूँ और फर्नेस का भी टेक्सचर देखेगा भाई कैसा लगेगा। फर्नेस मैंने बहुत सारे स्टोन ले लिए है और कोबलस्टोन भी कितने अच्छे लग रहे हैं। सब इतना अच्छा लग रहा है यार, क्या अच्छा नहीं लग रहा है ये पूछो। ये स्टोन की पिकैक्स देखते कैसी लगती है। ओके स्टोन की पिकैक्स भी सही है, एक बढ़िया सा एडवांसमेंट चुका है। एक सॉर्ड बना के देखता हूँ, सॉर्ड। ओके भाई सॉर्ड कितनी लंबी लग रही है, अब लग रही है ना भाई थोड़ी खतरनाक। भाई भाई मजा आ रही है, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रही है सारे टेक्सचर पैक्स में खेल के। मेरे को विलेज भी देखना भाई, विलेज कैसा लगेगा। और सबसे खतरनाक चीज मेरे को देखना है कि अपना एंडर ड्रैगन कैसे दिखेगा। एंडर ड्रैगन कैसे दिखेगा सही में, आपको लगेगा कि मैं बहुत सारी चीजें क्राफ्ट करूंगा। मैं डायरेक्ट क्रिएटिव से जाऊंगा, ज्यादा झंझट नहीं करना है मेरे को। और गाइस जैसे मैंने आपसे कहा था, मुझे क्राफ्टिंग टेबल बना के एक फर्नेस बना के देखना है। ओ भाई साहब कितना कूल लग रहा है, कितना कूल लग रहा है यार, तारीफ तो छूट ही नहीं रही है मुझसे। अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ओ शायद आई थिंक सो जानवरों में तो कोई चेंज नहीं आया है, एक बार देख लेता हूँ। मेरे को कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं लग रहा है जानवरों में, मेरे को बस थोड़े टूल्स और क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस में मेरे को चेंज लगा है। और भाई मीट देखो कैसी लग रही है, ये रॉ मीट कितनी कूल लग रही है यार, मेरे को बस खाने में मजा है वो बहुत अच्छा रहता है। थोड़े जानवरों को भी मार लेता हूँ, मेरे को बेड चाहिए और थोड़ा फूड चाहिए। भाई यहाँ मुझे हमेशा इतनी बेकार जगह स्पॉन किया जाता है, यहाँ पे आसपास कोई भी चीजें नहीं होती है। बत्तख को देखो, बत्तख के बच्चे को देखो, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा मेरे को। यहाँ पर काऊ भी नहीं गाइस, देखो देखो काऊ थोड़ी अलग लग रही है। ओके काऊ थोड़ी अलग लग रही है, प्लीज प्लीज अपना स्क्रीनशॉट लेने दीजिए मेरे को, ये बहुत कूल था। इसका लेदर देखो, उसका रॉ बीफ, माय गॉड। अब यहाँ पे कौन जानवर है तुम सब, आपको पहले मैं जानवर को मार लेता हूँ, खाना वाना को सही। भाई फ्लावर्स देखो यार कितने प्यारे लग रहे हैं, सबसे ज्यादा फ्लावर्स भी बहुत अच्छे हैं, सारी चीज अच्छी है। और लीव्स देखो कितनी कूल लग रही है। ओ माय गॉड यहाँ पे सब अच्छा लग रहा है। एक मैं ब्लू फ्लावर भी ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को एक बेड बनाना है और उस बेड को मैं ब्लू कर दूंगा। गाइस डाई भी कितनी अच्छी लग रही है और मेरा बेड देखता हूँ कैसे लगेगा। ओह माय गॉड भाई रियलिस्टिक बेड लग रहा है भाई, बढ़िया बेड लग रहा है, सारी चीज बढ़िया। क्या चीज बढ़िया नहीं है गाइस ये? मेरे को ओट्स भी देखना है। यहाँ पे आग लग गई। अरे मैं यार मैं तुम लोग को बचाऊंगा, मैं तुम लोग को बचाऊंगा यार, तुम लोग बस मेरा सब्र किया करो। अभी लावा पूल है, शायद मैं जा सकता हूँ अंदर, पर मेरे को लावा वो बनाना नहीं आता। पोर्टल कैसे बनाते हैं? लावा के भी टेक्सचर थोड़ा अलग हो गए होंगे, इसका मतलब पानी के भी टेक्सचर्स अलग हो गए होंगे। ओ माय गॉड, पानी तो बहुत अच्छी चीज होती है माइनक्राफ्ट ने, वो भी एक्सप्लोर कर लेगा। क्या जा रहा है? अगर यार विलेज मेरे को चाहिए, मेरे को विलेज ढूंढना यार, विलेज में बहुत सारी चीजें हम लोग को मिल जाएगी एक्सप्लोर करने के लिए। ओके गाइस तो मेरे को विलेज मिल चुका है, मैं यहीं पर था और मैंने अपने थोड़े चंक्स ज्यादा कर लिए, तो गाइस मेरे को विलेज तो मिल गया। अब डायरेक्ट चलते हैं विलेज के पास क्योंकि विलेज में हम लोग को बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगी और साथ साथ खाना भी लेके चलता हूँ, खाने की कमी भी नहीं पड़नी चाहिए। मेरा हॉट बार भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है यार, और विलेज में ज्यादा मेरे को अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओके वहाँ पे एक विलेजर है और हीबील्स के कितने कूल टेक्सचर्स हो गए हैं यार, सबके टेक्सचर कूल हो चुके हैं, पर मेरी स्किन में मुझे लग नहीं रहा कुछ इफेक्ट पड़ा है कि नहीं। बाय द वे अगर यहाँ पे वो बंदा मिल जाए जिसके घर में लूट बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो बहुत ज्यादा कूल हो जाएगा यार। इसका कंपोस्टर देखो कितना प्यारा लग रहा है, हेबिस देखो क्या क्या अच्छा नहीं लग रहा यार। क्या अब विलेजर भी अच्छा हो गया यार, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है विलेजर। इसको थोड़ा मारने का मन कर रहा है मेरे को विलेजर को, पर मैं मारूंगा नहीं। गाइस ये वीड्स को देखो यार, वीड्स कितनी प्यारी लग रही है, सब प्यारा लग रहा है सिवाय मेरी स्किन तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ब्रेड्स भी कितनी अच्छी लग रही है, यानी कि जो भी चीज है इसका पिक्सल बहुत अच्छा हो गया है। मेरे हार्ट, मेरा हंगर बार, मेरा ये सब जो भी चीजें वो सब बहुत अच्छी हो गई है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। इसका डोर का भी गाइस टेक्सचर पैक कितना कूल लग रहा है यार, मैं आज से ये टेक्सचर पैक हमेशा यूज करूंगा, हमेशा हमेशा। पहले सो लेते हैं बिना किसी चैन के, सब भाई रिलैक्स। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और मेरे को गोलम को मारने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो मैं पहले गोलम को मारूंगा। गोलम को मारने में भाई अलग ही मजा है। पहले अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं, क्या पता मैं मर गया तो मेरा सामान तो नहीं आएगा। एक गोलम को टपली मारू, नहीं उड़ा दी। बेशरम, इतने मासूम से बच्चे को मारा, उसको शर्म नहीं आ रही गाइस, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मेरे को भी शर्म नहीं आती उनको मारने में। अरे डर गया, बदना नहीं यार, डर गया। हाँ बेटा कहाँ गए? डरपोक डर गए। आ रहा है। अबे यार डराया ना करो मेरे को। आ रहा है। तू आओ, 1 2 3। आ बेटा तेरा अच्छा स्वागत करना पड़ेगा मेरे को। भाई गोलम भी अच्छा लग रहा है, गोलम के टेक्सचर पैक्स अच्छे हो गए हैं, पर उसको मारने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। गाइस एक चीज दिखाऊं, आयरन देखो कितना कूल लग रहा है, बंदे ने 4 आयरन दिए है भाई। आयरन भी इतना अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे एक शील्ड बना लेता हूँ और एक वाटर बकेट बना लेता हूँ, बहुत काम आता है ये। यहाँ पे कितने सारे नल्ले विलेजर्स हैं जो कोई काम के नहीं है। गाइस आप शील्ड देखो, शील्ड मानो शील्ड सबसे अच्छी है भाई। शील्ड में भाई कीले भी लगी हुई है भाई, शील्ड बहुत अच्छी लग रही है। वाटर बकेट भी बहुत अच्छी लग रही है, अगर उसमें पानी आ जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पर फिर से आग लग गई, अबे आग ही लगती रहती है। अब गाइस मेरे को क्या करना है कि मेरे को थोड़े ओर्स एक्सप्लोर करना है, जैसे डायमंड ओर हो गया, आयरन ओर हो गया, वो सब एक्सप्लोर करना है। गाइस पानी में कितना अच्छा हो गया यार, पानी के पिक्सल्स बहुत अच्छे हो गए, सांप के पिक्सल्स कितने अच्छे हो गए यार। यहाँ पर एक केव है, यहाँ से मेरे को कोल का ओर दिखाई दे रहा है और मैं ब्लॉक्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक तो ये एंडरसाइट है, ये नॉर्मल वाला स्टोन है, ये डर्ट है और ये ग्रेफाइट है। कुछ ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे बहुत डेंजरस केव है, मेरे पास ब्लॉक्स नहीं ज्यादा। इस लावा को मैं ब्लॉक कर देता हूँ और थोड़ा कोल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे ज्यादा कुछ, ओए गाइस ये बहुत गहरी की माइन है, और है यहाँ पे एक आयरन हो रहा है। मेरे को ज्यादा नहीं देखना, बस मेरे को डायमंड और देखना वो कैसा दिखता है भाई। अगर डायमंड और दिख जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे अच्छा खासा माल तो मेरे को मिल ही गया है, 5 आयरन मेरे पास आ चुके। अचानक से गाइस अंधेरा हो गया जैसे ही लावा गया। यहाँ पे मेरे को ज़ॉम्बीज़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई थिंक सो गाइस मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मेरे को बस डायमंड का और देखना कैसा दिखता है। तो मैं पहले स्पेक्टेटर मोड में जाता हूँ। देखो गाइस ये मेरी नॉर्मल वर्ल्ड है, तो मैं इसमें क्रिएटिव कर सकता हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस डायमंड और मिल गया, और डायमंड और कितना प्यारा लग रहा है। पहले मैं सर्वाइवल में नहीं पहले मैं क्रिएटिव में ही रहूंगा। और गाइस कितना प्यारा लग रहा है, मैं इसको ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा और ये चला जाएगा। अब हम लोग को गाइस ऊपर जाना है, अब मेरे को देखना है, अब गाइस मेरे को एंडर ड्रैगन को देखना है बस। अब मेरे को ज्यादा कुछ नहीं देखना है, तो मैं करता हूँ की TP2, मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में TP करता हूँ, डायरेक्टली चलता हूँ एंडर ड्रैगन को देखने। वैसे इसको मार तो पाऊंगा नहीं, मैं आई ऑफ एंडर ले लेता हूँ। और आज गाइस आई ऑफ एंडर को देखो कितनी कूल लग रही है, वहाँ पे सारी चीजें कितनी कूल लग रही है यार, देख के मेरे को मजा आ गया। थोड़ा गाइस ग्लिच हो गया, देखो ये पता नहीं क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है जल्दी से छलांग लगाता हूँ मैं। अब देखते हैं हमारा एंडर भाई कैसा दिखता है, ड्रैगन भाई कैसा दिखता है। कहाँ हो तुम? यहाँ पे भाई एंडर पुल देखो कितनी डीप है, मैं उसको ऐसे मारूंगा। ओके चलो, कहाँ पर हो ड्रैगन तुम? ड्रैगन मैं आ रहा तेरे पास। ड्रैगन तो कहीं ज्यादा उनको कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, तुम इधर आओ इधर आओ। इसको मैं मारूंगा बहुत जोर से, इसके मुंह के सामने मैं खड़ा हो जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे फिर भाग गया। ओके भाई ज्यादा कुछ नहीं था एंडर ड्रैगन में, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर दी है।